तो दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कॉकर स्पैनियल इंग्लिश एंड अमेरिकन। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि कॉकर स्पैनियल के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो कॉकर स्पैनियल ब्रीड बहुत 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 अच्छी ब्रीड है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल दुखता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रही इंडिया में। तो बाहर जो है इसको कह लो कि इतना ज़्यादा लोगों में क्रेज़ है, लोग कहते हैं कि हाँ भी हमें कॉकर दीजिए। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसके प्रति जो रुझान है वो थोड़ा कम है। तो मे भी मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि ये बड़े साइज़ का डॉग है, ऐसा नहीं है जी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेबसाइट है जी akc.org अमेरिकन केनल क्लब, ठीक है जी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आप उसके ऊपर जाइए और यही एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ से आपको राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो इस वेबसाइट पे जाइए और देखिए कॉकर स्पैनियल ब्रीड के बारे में थोड़ा सा पढ़िए क्या इसका साइज़ है। 14 से 15 इंच या मैक्सिमम 16 इंच तक इनके जो मेल हैं उनकी हाइट जाती है। तो मुझे तो लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा है। हाइट जो है वो कमर से हमेशा मेजर की जाती है, हालांकि हमने कभी मेजर की नहीं है। मैंने भी जस्ट वहाँ पे पढ़ा तो उसके बाद मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया। तो सिर्फ 15-16 इंच हाइट का अगर डॉग आपको मिल रहा है तो मुझे ये नहीं लगता कि हाँ भी वो बड़ा डॉग है। हमें जब हम किसी को फ़ोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, तो क्या होता है कि लोग देखते हैं अरे यार ये तो बड़ा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, फ़ोटो और वीडियो में हर चीज़ कह लो कि थोड़ा कैमरा क्लोज आ जाता है। जैसे अभी भी कैमरा मैंने अपने फेस के पास रखा हुआ, तो हो सकता है आपको मेरा फेस थोड़ा बड़ा लग रहा हो। तो ये चीज़ इट्स अ कैमरा ट्रिक है ना, तो वो कैमरे की आंख से जब आप देख रहे हैं तो ऐसे लगता है कि यार ये बहुत बड़ा है, बट ऐसा है नहीं। बहुत प्यारी ब्रीड है, इतनी लवेबल है कि पूछो नहीं, है ना। आपके साथ बड़े आराम से रहते हैं, बुज़ुर्गों के साथ, है ना, बच्चों के साथ, सबके साथ बड़े प्यार से रहते हैं। आईज़ जो हैं इनकी बहुत प्यारी होती हैं, गोल आईज़ होती है ना, कितना सुंदर चमकती हैं वो एक तरह से। तो मेरे ख्याल में जितना इस समय शिट्ज़ू पॉपुलर हो चुका है, इसको भी इतनी पॉपुलैरिटी डिज़र्व करती है। तो मेरे इस वीडियो के ज़रिए अगर इस ब्रीड की पॉपुलैरिटी में थोड़ा सा भी इजाफा हो तो मेरे को बड़ी खुशी होगी यहाँ भी। और आप सब लोगों से मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर करो, ताकि जो लोगों के अंदर दिल में जो गलत फहमियाँ हैं उनको ये वीडियो देख कर शायद उनकी कुछ गलत फहमियाँ दूर हो सकें। बाल जो है इसके वो कमर के ऊपर लंबे होते हैं। टेल जो है वो ज़्यादातर सभी ब्रीडर्स ने डॉग की होती है। डॉग टेल वाले जो कॉकर स्पैनियल्स हैं वो दिखने में थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्यारे लगते हैं, तो ज़्यादातर लोग टेल डॉग करवा देते हैं। हमारे पास जो है बिना टेल डॉग के आपको मिलेगा, हम टेल डॉग नहीं करते, लेकिन सम पीपल्स जो है वो करवाते हैं, या कई बार वो ये भी डिमांड करते हैं कि आप पहले से करके रखो। तो हमारे से अगर आपने लेना है तो टेल डॉग उसकी नहीं की होगी। तो कान जो है इसके वो लंबे होते हैं, वही इसकी खूबसूरती है। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा अमेरिकन कॉकर और इंग्लिश कॉकर, मैंने और गुरजीत जी ने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला उसके ऊपर, तो बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं उसको देखकर। तो उसमें हमने ऑलरेडी कंपैरिजन किया हुआ है कि दोनों दिखने में कैसे हैं। मज़ल जो है उनका, फेस जो है, मेन डिफरेंस फेस का है। अमेरिकन का जो फेस है वो पंच होता है, छोटा होता है। इंग्लिश का जो फेस है वो लंबा होता है, ठीक है जी। कान दोनों के लंबे होते हैं, इनफैक्ट इंग्लिश के कान कई बार अमेरिकन से ज़्यादा लंबे होते हैं। तो यही ईयर्स ही उनकी खूबसूरती है, कानों के ऊपर पूरे बाल होते हैं, ठीक है जी। कमर के ऊपर उसके कह लो कि नीचे तक, ज़मीन तक बाल लगते हैं, जैसा कि आप अभी रेफरेंस में एक दो फोटोग्राफ साथ में देख रहे हो। तो बहुत प्यारे लगते हैं, जब आपके साथ चलते हैं तो दुनिया देखती है कि यार वाह क्या ब्रीड लेके जा रहा बंदा, है ना। मेरे ख्याल से आपको इसके प्रति अपना रुझान जो है वो चेंज करना चाहिए। तो कॉकर स्पैनियल ब्रीड लीजिए, हमें मुझे बड़ी खुशी होगी। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी इस ब्रीड के बारे में जान सकें। और डिटेल में अगर आपको जानना है, इसकी हिस्ट्री के लिए जानना है, तो वो आप अमेरिकन केनल क्लब की वेबसाइट पे आप जाइए, आपको उसके ऊपर सब कुछ मिलेगा। तो मैं उस
साइट को खुद फॉलो करता हूँ और चाहता हूँ कि कोई भी डॉग ब्रीड आपने लेनी हो, सबसे पहले उसके ऊपर एक बार जाइए, विज़िट कीजिए, मेल फीमेल कुछ भी लीजिए। फीमेल डॉग अगर कोई लेता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, तो मेल फीमेल कुछ भी लीजिए लेकिन कॉकर स्पैनियल बाय कीजिए। हमारे पास भी बच्चे होते रहते हैं, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो डाला था, तो आप देखिए ये साथ में जो क्लिप्स चल रहे हैं, आप देखिए क्वालिटी, देखिए कितनी सुंदर क्वालिटी बनी है। और इनका जो कोट है, क्या कहूँ, जैसे ही आप इसको हाथ लगाते हो, इसके बालों के अंदर हाथ अपना इनके लेके जाते हो, तो इतना अच्छा फील होता है कि वाओ। तो क्वालिटी जो है वो तब पता लगती है, कानों को जब आप टच करते हो कॉकर स्पैनियल के, तो मखमल है, मखमल की तरह इनके कान है, तो इतने प्यारे लगते हैं। 10 से 12 साल 13 साल इनकी एज रहती है, तो अच्छे कंपेनियन है। आप इनको अपने साथ लेके जाइए, घूमने फिरने गए हो, आपके साथ बिल्कुल रहते हैं तो एकदम आपका कहना मानते हैं। इंटेलिजेंट इतने ज़्यादा है कि पूछो ना। ईजी टू ट्रेन है, इनको ट्रेनिंग बहुत 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 ईजी है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप कॉकर स्पैनियल ब्रीड के बारे में जानें और इसके प्रति अपने रुझान को चेंज करें। तो हमें भी, आपने कोई भी ब्रीड लेनी हो, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि कभी कभी ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बना पाता, तो कोशिश करता हूँ मैं कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन आपके तक पहुँचे। तो आपका जो ब्रीड के प्रति रुझान है, हर ब्रीड के प्रति, तो वो चेंज हो। जैसे चिवावा ब्रीड है ना, उसके मैंने कुछ वीडियोस डाले और बहुत अच्छा रिस्पांस आया लोगों ने, जिन्होंने लिए हैं उनको जाके पूछिए कि ये अग्रेसिव है कि नहीं है। कोई अग्रेसिव नहीं होता जी। तो थोड़ा सा थैंक यू, सबसे पहले तो धन्यवाद, आप फॉलो करते हैं और सुनते भी है पूरा पूरा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, कोशिश करूँगा एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आऊँ। जय हिंद।